बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार आज 58 साल में उनका निधन हो गया। जी हाँ, इस खबर से पूरा देश सदमे में है। दिलीप कुमार ने दर्शकों के बीच अपनी एक्टिंग की एक अमिट छाप छोड़ी जिसका हर कोई कायल है। जी हाँ, हाल ही में एक्ट्रेस वहीदा रहमान ने भी उनकी तारीफ में कुछ अल्फाज जाहिर किए हैं। इस बात में कोई दोराय नहीं है कि हिंदी सिनेमा में एक से एक कई शानदार अभिनेता हुए हैं, लेकिन दिलीप कुमार एक ऐसे अभिनेता थे जिनकी बात कुछ और ही थी। उनके साथ काम करने के लिए एक्ट्रेसेस तक तरसती थी। इन्हीं में से एक पुराने दौर की खूबसूरत अदाकारा वहीदा रहमान भी थी, जिन्होंने दिलीप कुमार के साथ राम और श्याम, दिल दिया दर्द लिया, आदमी और मशाल जैसी फिल्मों में काम किया। दोनों की उम्र में केवल 10 साल का ही फासला है, लेकिन वहीदा रहमान के मुताबिक दिलीप कुमार काम के मामले में उनसे ज़्यादा तेज तरार थे। जी हाँ, हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान वहीदा रहमान ने कहा कि हमने साथ में 4 फिल्में की, सभी फिल्मों में मेरा दिलीप साहब के साथ काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। इनमें से एक फिल्म राम और श्याम काफ़ी सफल साबित हुई। वहीं एक बेहतरीन अभिनेता थे जिनके सामने मैं बहुत छोटी हूँ, मैं उनसे बहुत कुछ सीख चुकी हूँ, काश कि हम साथ में और फिल्में कर पाते। यही नहीं, वहीदा रहमान के मुताबिक दिलीप कुमार किसी भी किरदार को निभाने के लिए अपनी पूरी जान उसमें झोंक देते हैं। काम के वक्त उनका ध्यान कोई नहीं भटका सकता। वैसे देखा जाए तो दिलीप कुमार की इन्हीं खासियत की वजह से उनका नाम बॉलीवुड में ट्रेजेडी किंग पड़ा है। वैसे कम लोग ये बात जानते होंगे कि एक समय पर दिलीप कुमार और वहीदा रहमान के इश्क के भी बहुत चर्चे हुआ करते थे। सायरा बानो से पहले दिलीप कुमार एक्ट्रेस वहीदा रहमान से निकाह करना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए वहीदा रहमान को प्रपोज भी किया था। जी हाँ, तो आपको उस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 न्यूज़ ससुर भी की रिपोर्ट।